दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की। जलंधर में आप पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे आप पार्टी के प्रदेश कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर, सांसद भगवंत मान, पंजाब प्रभारी संजय सिंह और सांसद प्रोफेसर साधु सिंह कार्यालय के उद्घाटनी कार्यक्रम के बाद दैनिक सवेरा ग्रुप के नव निर्मित कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे, जहां दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, नेहा विज द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान श्री विज ने सभी महानुभावों को कार्यालय का दौरा करवाया। इस दौरान दैनिक सवेरा से बातचीत करते हुए सांसद भगवंत मान ने अपनी पार्टी की आगामी गतिविधियों से अवगत करवाते हुए बताया कि आप पार्टी द्वारा प्रदेश की जनता का विश्वास पाने और उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी ने दिल्ली में लोगों के समर्थन से जीत हासिल की थी, उसी तरह पंजाब में भी आपकी जीत का डंका गूंजेगा। वहीं आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था काफी डगमगा गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने दिल्ली में जनता के परामर्श से आर्थिक नीतियां तैयार की हैं, उसी प्रकार से वे पंजाब में भी लोगों की जरूरत के अनुसार आर्थिक नीतियों को तैयार करेंगे। इसके अलावा पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर 2017 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनका पहला उद्देश्य कृषि व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। इस विशेष वार्तालाप के दौरान मौजूद को ऑब्जर्वर दुर्गेश पाठक ने बताया कि चाहे उनकी पार्टी के पास अन्य पार्टियों की तरह ज्यादा धनराशि नहीं है, लेकिन अब आम लोगों की ये आप पार्टी इतनी सक्षम बन गई है कि उन्हें अपनी बात, अपनी नीतियों और अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद जन जन तक जाकर उन्हें पार्टी की नीतियों व उन्नत सोच से अवगत करवाएंगे। इस विशेष वार्तालाप के उपरांत श्री विज व अन्य गणमान्यों द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। जलंधर में आम आदमी पार्टी ने अपना सेंट्रल ऑफिस जो है उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि जलंधर मीडिया हब है, जलंधर सेंटर में है पंजाब के, तो यहाँ पे कोई भी जानकारी या कोई प्रचार की सामग्री या कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनको यहाँ से डायरेक्शंस मिलेंगे, और कोई मीडिया के लिए कवरेज, कोई प्रेस नोट वगैरह सब कुछ यहीं से होगा। तो सेंट्रल ऑफिस जो है वो आज जलंधर में उसका उद्घाटन हुआ है। 14 जनवरी को अरविंद केजरीवाल के बागी मुक्सर मेला पे आ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पे उनको मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए आएंगे, और पूरा साल अरविंद केजरीवाल महीने में दो बार, कभी महीने में तीन बार आते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अब पंजाब को दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब ने ही 4 MP लोकसभा चुनाव में दिए थे। दैनिक सवेरा, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ दैनिक सवेरा का इतिहास मिलता है, बस आम आदमी पार्टी एक साल छोटी है, दैनिक सवेरा 4 साल का है, आम आदमी पार्टी 3 साल की हो गई है 26 नवंबर को, और उनकी प्राप्तियां भी मिलती हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, दैनिक सवेरा बहुत तरक्की कर रहा है हिंदी की और प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में। सारियाँ 117 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। चैलेंज साढ़े लिए कांग्रेस या अकाली दल या बीजेपी नहीं, चैलेंज साढ़े लिए करप्शन है, साड़ी लड़ाई गरीबी नाल है, महंगाई नाल है, बेरोजगारी नाल है। सो आम आदमी पार्टी पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाऊगी। सो कोई इकनोमिक पॉलिसी नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह लोगों नूं पुछ के जिवें दिल्ली दे विच बजट बनाया, दिल्ली दे विच लोगों की जिहड़ी सहूलत लई जिन्ना भी काम हो रहा आम आदमी पार्टी बिल्कुल उस तरह लोगों नूं शक्ति देगी। 14 जनवरी को जो माघी का मेला होता है मुक्तसर में, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, और उस दिन के बाद से पूरे पंजाब में एक व्यापक अभियान, आंदोलनों का और संगठन के निर्माण का काम लगभग जो पूरा है उसको और मजबूती प्रदान करने का एक व्यापक अभियान पूरे पंजाब में चलेगा। बीच बीच में अरविंद केजरीवाल जी की रैलियां होती रहेंगी समय समय पे, जो अंतिम के 6 महीने होंगे पंजाब चुनाव के, उसमें अरविंद केजरीवाल जी का पूरा फोकस पंजाब पर होगा, पूरा ध्यान पंजाब पे होगा,
दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली के कामकाज के साथ साथ पंजाब के चुनाव प्रचार में पूरा अपना ध्यान वो केंद्रित करेंगे। हमारा ऑफिस जो स्टेट का था आम आदमी पार्टी का, उसकी ओपनिंग थी, सभी हमारे नेशनल लीडर्स सारे एमपी साहबान इधर आए हैं। इमीडिएटली जो हमारा प्रोग्राम है वो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं करप्शन पे, नशे पे, किसान पे, इंडस्ट्री पे और एम्प्लॉयमेंट में।